हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एच एल टिर्की जी के चैनल पर। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 69 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 70 यानी 70। भारत में ओलंपिक आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री दोराबजी टाटा। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत में ओलंपिक आंदोलन श्री दोराबजी टाटा द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के संस्थापक प्रधान थे और ये भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही ऑप्शन होगा 1927 ईस्वी। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो लगातार आप भी गेस करते रहिए, आपने खूब तैयारी किया है तो आप लगातार अपने आप को गेस करते रहिए, देखिए आपका कितना सही हो रहा है। इसके अलावा कुछ रोचक जानकारियाँ। वर्ष 1919 में सर दोराबजी टाटा ने संयुक्त भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक खेल संस्था की स्थापना की, बीज को बोया स्थापना की और बीज को बोया, जिसके फलस्वरूप दोराबजी टाटा ने YMCA के निदेशक डॉक्टर एपीजी नोहरेन की सहायता से वर्ष 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की। दोराबजी टाटा IOA के संस्थापक अध्यक्ष तथा डॉक्टर नोए हरेन संस्थापक महासचिव बने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनको जरूर आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में ओलंपिक संघ का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? चार ऑप्शन दिया गया, इसमें सही ऑप्शंस देखो, सही चुना आपने कि सर दोराब टाटा 1927 में ओलंपिक संघ का पहला भारतीय अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 73। जी हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही ऑप्शन होगा सन 1927 ईस्वी में डॉक्टर दोराबजी टाटा। जी हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। ये प्रश्न वर्ष 2010 में वो भी टीजीटी यूपी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इससे संबंधित। जी हाँ, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IOA की स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में हुई थी, जो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रक निकाय है। डॉक्टर दोराबजी टाटा व डॉक्टर नोहरेन इसके प्रधान संस्थापक व महासचिव थे। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबद्ध है। डॉक्टर दोराबजी टाटा भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1928 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने प्रतिभाग किया था। तो यहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, इनको जरूर आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको सही उत्तर चुन के बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा IOA। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 75, इसकी व्याख्या की गई है पहले ही, तो उसको भी आप देख सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। अब यहाँ से देख लीजिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष किया गया था? ये KVS TGT परीक्षा 2015 में पूछा गया था, तो 1927 में किया गया था। विस्तृत अभी हमने इसके जस्ट विस्तृत इस पर चर्चा किया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना किस वर्ष की गई? क्वेश्चन वही है, घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर आप याद करें। ये KVS TGT 2013 में पूछा गया था, तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 77। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, इसलिए हर तरीके से आप तैयार रहिए। प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थीं। ये जो है कथन असत्य है, बाकी इनमें से सही जो है तीनों ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 78 का। जी हाँ, 78 को पढ़ने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। प्राचीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं को खेल स्पर्धाओं को देखने तक की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि प्रथम आधुनिक खेल 1896 में भी महिलाओं की कोई सहभागिता या भागीदारी नहीं थी। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की सहभागिता का प्रारंभ सन 1900 के ओलंपिक में हुआ। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। 78, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मीटर एयर राइफल्स। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। इससे संबंधित और भी विस्तृत जानकारी देखिए, बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता गया। वैयक्तिक स्पर्धा में यह भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। सुशील कुमार कुश्ती भारत के प्रथम खिलाड़ी हुए जिन्होंने लगातार दो ओलंपिक में पदक प्राप्त किए। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण रोचक जानकारियाँ। जी हाँ, इनको भी ध्यान दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो परीक्षा उपयोगी जानकारियां उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसका गठन 23 जून 1894 को पेरे डी कुवर्टिन और दमेवियस विकेलस के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रधान का निर्वाचन 8 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है तथा इस कार्यकाल में बढ़ोतरी किया जा सकता है। यह बढ़ोतरी केवल एक बार मात्र 4 वर्ष के लिए हो सकती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर बताना है आपको। बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती और बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य जीता था? चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस को जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है सुशील कुमार 66 किलोग्राम और विजेंद्र कुमार 75 किलोग्राम। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ, बीजिंग ओलंपिक 2008 में सुशील कुमार ने कुश्ती में 66 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था और विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में 75 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध किससे है? चार ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही ऑप्शंस क्या होगा? सेना से। तो ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध किससे है? सेना से। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो आइए इस पर थोड़ा सा विस्तृत जानकारी भी कर लेते हैं। देखिए, भारतीय सेना ने ओलंपिक खेलों में ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सितंबर 2003 में ऑपरेशन ओलंपिक लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। जी हाँ, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा औपचारिक रूप से शुरू हुई। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? म्यूनिख, जर्मनी। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ओलंपिक खेल समारोह में
शुभंकर की परंपरा की औपचारिक शुरुआत 1972 के म्यूनिख ओलंपिक से हुई। शुभंकर का चयन मेजबान देश अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप करता है। प्रथम ओलंपिक शुभंकर का नाम वाल्डी रखा गया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो ओलंपिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 83, ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन सा देश रहता है? चार ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन को जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। जी हाँ, सही बताया आपने, ग्रीस। ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे ग्रीस रहता है। तो यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। इससे संबंधित और भी विस्तृत जानकारी के लिए ये पूरा बॉक्स पढ़ लेना बहुत जरूरी है, इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। प्रायः खेलों के उद्घाटन के लिए मेजबान देश के राष्ट्रपति, राजा या शासनाध्यक्ष देश को अध्यक्षता करने के लिए कहा जाता है। वह खेलों के आरंभ की घोषणा करता है, किंतु ओलंपिक खेलों में यूनान, ग्रीस की टीम सबसे पहले एवं मेजबान टीम सबसे पीछे होती है। बाकी टुकड़ियों को वर्ण क्रमानुसार रखा जाता है। राष्ट्रपति या राजा मार्च पास्ट की सलामी लेता है। ओलंपिक खेलों की अवधि अधिकतम 16 दिनों की होती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84, ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 दिन की। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था, इसलिए जानते रहिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 85 देख लीजिए, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही ऑप्शन चुन करके आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको जरूर आप याद कर लीजिए। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। और भी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यास कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। जी हाँ, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनको याद करते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय, मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही ऑप्शन चुन करके बताना है, स्विट्जरलैंड। जी हाँ, राजस्थानी पीटीआई ग्रेड सेकेंड परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो जरूर देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 87th का ये ऑप्शन सही होगा, स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, टीजीटी 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, जी हाँ, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में सही ऑप्शन होगा यूनान ने। जी हाँ, यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ, तो वर्ष 1896 में पहली आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिताएं यूनान के शहर एथेंस ग्रीस में कराई गई थी। यूनान प्राचीन ओलंपिक खेलों की जन्म भूमि है। वहां प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुए थे। इस शहर से आधुनिक ओलंपिक खेल पुनः 1896 ईस्वी में प्रारंभ हुए, जो 4 साल के अंतराल से निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 1916, 1940 तथा 1944 में ओलंपिक खेलों को प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध के कारण रद्द करना पड़ा था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां जो ओलंपिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुई, कब से प्रारंभ हुई? अभी विस्तृत चर्चा किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा एथेंस। जी हाँ, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था। ये KVS TGT परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था।
जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? चार ऑप्शन दिए गए, सही ऑप्शन आपने चुना 776 बीसी में, यानी बी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, फिर रिपीट होगा, याद होना चाहिए। ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीस। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, जी हाँ, प्रथम ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता 1896 में आयोजित हुई थी, कहाँ पर आयोजित हुई थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा एथेंस में। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए किस वर्ष में? 1896 में, यूपी टीजीटी परीक्षा 1999 में ये प्रश्न पूछा गया। सभी प्रश्न रिपीटेड हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जरूर देख लीजिए एक बार। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के में आयोजन में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ढूंढ कर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1896। जी हाँ, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 1896 में आयोजन से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। केबीएस टीजीटी परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? चार ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, एथेंस में। ये राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकेंड और थर्ड परीक्षा 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, जी हाँ, क्वेश्चन वही है, बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। प्रथम आधुनिक खेल कब शुरू हुए? तो प्रथम आधुनिक खेल 1896 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, तो जी हाँ, ओलंपिक हर वर्ष कितने समय बाद होता है? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही ऑप्शन हो जाएगा हर चौथे वर्ष। राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकेंड परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। जी हाँ, अब तक हम लोग 99 क्वेश्चंस पर चर्चा कर चुके हैं। 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कौन से स्टेडियम में आयोजित किए गए थे? उस स्टेडियम का नाम बताना है। जी हाँ, उस स्टेडियम का नाम है पेनाथेनेइक स्टेडियम। 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल पेनाथेनेइक स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। ये क्वेश्चन झारखंड टीजीटी 2016 में पूछा गया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। जी हाँ, युद्ध के कारण आयोजित ना हो सकने वाली ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं इनमें से कौन कौन सी हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन चुन करके बताना है। ऑप्शन सी, 6वीं, 12वीं और 13वीं। ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 में ये पूछा गया था। तो युद्ध के कारण आयोजित ना हो सकने वाली ओलंपिक क्रीड़ा, और भी विस्तृत जानकारी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके क्षण को जरूर याद करें। 6वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 1916 में वर्लिन में होना प्रस्तावित था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह रद्द कर दिया गया। इसी प्रकार 12वें हेलसिंकी 1940 तथा 13वें लंदन 1944 ओलंपिक खेलों का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं किया जा सका। तो ये था रीजन। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल रद्द किए गए किस वर्ष में रद्द किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी परीक्षा 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102, कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई? तो ये बताना है, इसका जो उत्तर होगा, इसको जो है यहाँ पर देख लेते हैं। जी हाँ, वर्ष 1900 में पेरिस में संपन्न ओलंपिक में महिलाओं ने सर्वप्रथम भागीदारी की। तो महिलाओं की सर्वप्रथम भागीदारी कब हुई? सन 1900 पेरिस में संपन्न ओलंपिक खेल में। इस ओलंपिक में कुल 997 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें 22 महिलाएं थी। आयोग द्वारा क्षमा, तो ये चीज़ें थी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।